आइए आज हम बनाते हैं बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी फिरिनी, एकदम नए स्टाइल में। ना ही चिपकेगी, ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही मज़ेदार, सबकी पसंद आने वाली। तो आइए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। और इसके लिए हमें सबसे पहले 2 लीटर दूध लिया हुआ है, इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। ये हमने करीब 15 मिनट पका लिया, यानी हमारा दूध 1.5 लीटर लगभग रह जाएगा। तब इसमें हम चावल डालेंगे। ये मैंने मेरे पास काला नमक एक चावल आता है छोटा सा खुशबू वाला, वो मैंने डाला है। इसको अच्छे से धो के हल्का सा सुखा लिया था और फिर उसके बाद ये ड्राई इसको पीस लिया है दरदरा सा। और ये मैंने करीब 1 टेबल स्पून घी लिया है, आप चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने घी इसमें ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये चावलों को हमें अच्छे से भूनना है। क्योंकि चावल जब अच्छे से भून जाएंगे तो आप अगर दूध में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और गुलथी भी नहीं पड़ेंगी, इसलिए आपको बराबर उसके पास खड़े रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमें इन चावलों के पास खड़े रहना है क्योंकि ये कहीं जल ना जाए, इसको अच्छे से हमें गुलाबी कर लेना है, इसीलिए हमने इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। और ये देखिए हमारे चावल भून रहे हैं। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार होती है कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि ये मेरे यहाँ आज पूरा दिन में ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है। कभी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप पहले से बना के रख सकती हैं। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से खौल गया है, अब हम इसमें अपने भुने हुए चावल डाल देंगे। अब ये देखिए हम इसमें चावल डालेंगे, हमें ज़रा से भी टेंशन नहीं है कि इसमें गुलथी पड़ जाएगी या गांठें पड़ जाएंगी, कुछ भी टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें घी ऑलरेडी मिला हुआ है इसलिए। और हम इसको अच्छे से चला देंगे और चला करके थोड़ा सा चलाएंगे, फिर चलाने के बाद थोड़ा सा धीमी आंच पे इसको हम छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से खोल रहा है, अब हम इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे और छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा करीब 5 से 10 मिनट, आप देख लेंगे आपके चावल कितनी देर में गले हैं, अच्छे से इसको पकाना है। चलिए अब हम अपने चावल चेक करते हैं गले हैं या नहीं, ज़रा सा मैंने निकाला है। ये देखिए अभी हमारे चावलों में थोड़ी सी कनी बाकी है, इसके लिए हम थोड़ा सा और इसे पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट इसे और पकाया है, अब हम फिर से चेक करेंगे। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल गल गए हैं, ज़रा सी भी कनी नहीं है इसमें। और अब हम इन चावलों में चीनी डालेंगे। मैंने 1 कप चीनी डाली है, करीब 150 ग्राम, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब हम चीनी को घुलने के लिए थोड़े छोड़ देंगे, खुलने के साथ साथ इसे पकने के लिए छोड़ेंगे, वरना चीनी कच्ची रह जाएगी। और ये मैंने इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है, और ये मेरे पास खोया था भुना हुआ, और इसको मैंने करीब 200 ग्राम खोया भुना हुआ डाल दिया है। और अच्छे से हम चला लेंगे। अब चीनी हमारी पक चुकी है, उसके साथ में हमने अब ये डाल दिया। अब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे और ये 2-3 मिनट हम और पकाएंगे, फिर ये हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है। और हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डालेंगे तो इससे उसका सौंधापन बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब भी आप कभी ड्राई फ्रूट्स अपने खीर में या किसी भी डिश में डालें तो उसे आप हल्का सा फ्राई कर लें और इतने टेस्टी लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए हमारी खीर रेडी हो गई है, थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसमें मैंने केवड़ा जल भी डाला हुआ है और उसके साथ में मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो डाल दिए, जो भी आपके पास हो। और इसके साथ में मैंने अब थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने देंगे, फिर अपनी प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है और इसका टेस्ट मैं आपको क्या बताऊँ। उसको हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। लीजिए हमारे मेहमानों के लिए फिरनी रेडी हो गई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में और भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेज देख सकते हैं। प्लीज़ देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कैसी बनाई है। थैंक यू सो मच।